हाय दोस्तों, आज हम आपको लेके जा रहे हैं बनमनखी में हैं हम, और आपको हम यहाँ पे आज चीनी मिल दिखाएंगे जो कि लगभग 10-15-20 साल पहले ये बंद हो चुका है, और तभी शायद हम लोगों का जन्म भी नहीं हुआ था। तो आज हम आपको लेके जा रहे हैं जो कि यहाँ का बहुत ही फेमस चीनी मिल है। देखिए ये रहा चीनी मिल, यहाँ का जो बहुत ही फेमस है, और भी हम आपको थोड़ा सा नज़दीक जाके भी दिखाएंगे। ये साइड में कुछ गाय चर रही है यहाँ पे, और कुछ खास खाली खाली मैदान पड़ा है। एक जमाना था, पापा लोग बताते हैं, जबकि 1983-84 का टाइम था जब यहाँ पे चीनी मिल यहाँ इस एरिया के लिए बहुत फेमस था, बनमनखी चीनी मिल। और यहाँ पे बहुत सारे गन्ने की खेती भी होती थी, जो अब यहाँ पे बहुत सारे गन्ने की खेती देखने को भी नहीं मिलती है। तो चलिए हम आपको बहुत ही नजदीक पहुंच गए हैं। ये चीनी मिल आपको दिखने लगा होगा थोड़ा सा सामने से, ये एक बहुत ही बड़ा पिलर है, शायद ये धुआं निकलने के लिए दिया गया होगा। और ये देखिए जो कि अब यहाँ पे जंगल सबसे ये भर चुका है, ये बहुत दिनों से बंद पड़ा है, और यहाँ पे चारों ओर जंगल है। अब ये मकान जो दिख रहा है, ये बिल्डिंग और मशीन वगैरह का जो फैक्ट्री दिख रहा है, ये सब का भी अब टीन वगैरह सब टूटा हुआ दिख रहा है। तो चलिए और आपको हम थोड़ा सा और नज़दीक लेके चलते हैं, अभी चीनी मिल के सामने जो, और मैं अभी आपको और थोड़ा और दूसरे बिल्डिंग के पास लेके चलता हूँ, तब तक बने रहिए आप हमारे साथ। ख्याल से बिहार गवर्नमेंट को इस पे ध्यान देना चाहिए। एक जगह है बिहार में, एक जगह पड़ता है बनमनखी का एक मशहूर जगह था एक जमाने में, जहाँ से लोगों का देश विदेश व्यापार से जुड़ा हुआ था, और यहाँ आज सरकार कुछ भी इस मामले में ध्यान नहीं है। मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जीर्ण अवस्था में पड़ी हुई है। लगभग मान लीजिए कम से कम आज से लगभग 30 या 25 साल, क्योंकि मेरा ही उम्र अभी 25 साल हो रहा है, तो कम से कम हमारे जन्म से पहले ही बंद हुआ है। तो लगभग कम से कम आप कह सकते हैं 30 साल पहले ये फैक्ट्री बंद हो चुका था, जो कि एक समय में बहुत फेमस हुआ करता था। देखिए थोड़ा जूम कर लेते हैं, देखते जाइए। हम जहाँ तक कोशिश हो रहा है, मैं कोशिश कर रहा हूँ पूरी आपको यहाँ का दर्शन कराऊँ, आप इसे देख सके। तो एक जो बिल्डिंग दिख रहा, शायद वो यहाँ का गोदाम हुआ करता होगा एक जमाने में। देखिए ये गड्ढा दिख रहा है, शायद यहाँ का कुछ वेस्ट मटेरियल निकलने का कोई जगह रहा होगा, शायद मैं भी कहीं गिर ना जाऊँ। देखिए ये रहा पूरा फैक्ट्री का मशीन, हमने आपको दिखा दिया ये चीनी मिल बनमनखी का, और अब हम जा रहे हैं, शायद ऐसा कुछ और दिखाने के लिए मिल जाए आपको, हम दिखाएंगे। एक चीज़ और है थोड़ा सा जो आपको दिखाना चाहता है, अभी हमारे साथ जो थे वो बता रहे हैं यहाँ से गन्ना का रस निकलता था। दिखाते हैं आपको हम यहाँ का व्यू, ये हम बाहर से ले रहे हैं। मतलब उस टाइम में आपका एज क्या रहा होगा, मतलब आप स्टूडेंट थे पढ़ने आते था, 15-16 आप 15-16 की उम्र में थे लगभग, आप 1988 बोल रहे हैं। हाँ। क्योंकि मेरा जन्म ही 1996 है, तो 25 साल तो मेरा हो गया लगभग, ये मान लीजिए 30-35 साल से पहले बंद, पहले का मान लीजिए कि 30-35 साल से पहले बंद हो चुका है। दोस्तों हम यहाँ से एग्जिट कर रहे हैं, देखिए ये थोड़ा सा गेट दिख रहा है, यहाँ से निकलेंगे। पापा जी आए सबसे पहले, मुझे फोन कर रहे हैं,
ठीक है।